हेलो फ्रेंड्स, मीतूज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, तो इन्हें हम मैश करेंगे। आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। तो आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा आलू का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम ब्रेड को रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 6 पीस व्हाइट ब्रेड ले ली है। आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करेंगे। तो एक ब्रेड पीस लेंगे और इसके चारों कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। बचे हुए कॉर्नर्स का यूज आप ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से सारे कॉर्नर्स कट कर लें। सभी ब्रेड पीस के कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं। तो अब हम एक ब्रेड पीस लेंगे और इसे हम बेलेंगे। हमें इसे बिल्कुल पतला पतला बेलना है। जितना पतला हो सके आप इसे बेल लें अच्छे से दबाकर, ताकि रोल बनाने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड को अच्छे से बेल लिया है। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड पीसेस को बेलकर रेडी कर लेंगे। सभी ब्रेड पीस को बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले एक ब्रेड पीस लेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे और इसके एक सिरे पे हम पानी लगाएंगे। यहाँ एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तो हल्का हल्का इस पे पानी लगा देंगे अच्छे से। फिर दूसरा ब्रेड पीस लेंगे और इसके बराबर रखते हुए इसे अच्छे से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसे बेलन से एक बार अच्छे से दोनों को जोड़ते हुए बेल लेंगे। दोनों ब्रेड पीस को बेलकर आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए, ये आपस में अच्छे से चिपक चुके हैं। तो अब हम इस पे आलू का पेस्ट लगाएंगे। तो अब हम इस पे ये आलू का पेस्ट लगाएंगे। थोड़ा सा आलू का पेस्ट लेंगे और इस पे अच्छे से फैला लेंगे। तो इसकी हमें आलू की पतली लेयर फैलानी है, बहुत मोटा मोटा नहीं फैलाएंगे। तो मैंने इस पे आलू की लेयर को फैला लिया है। अब हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम टाइट रोल करेंगे इस तरीके से, हल्का हल्का लेंगे और इसे रोल करते चले जाएंगे। तो हमारा रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और फिर अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो आपको जितने चौड़े चौड़े पीस काटने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इतने चौड़े चौड़े पीसेस में से काट रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे पीसेस में कट कर लूंगी। तो इस तरीके से मैं सारे पीसेस कट कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम बाकी रोल्स भी बनाकर तैयार करेंगे। सभी रोल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा ली है। तो मैदा में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक घोल बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो घोल हमारा तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना पतला है। हमें इसी कंसिस्टेंसी में घोल बनाकर तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से हम पोटैटो रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है और इसमें ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। एक रोल लेंगे और इसे हम इस घोल में डिप करेंगे। इस तरीके से हम इसे इसमें डिप करेंगे हल्का सा और इसे एक बार अच्छे से कोट कर लेंगे।
और चम्मच की हेल्प से ही इस तरीके से हल्का सा हम इसे साइड में थोड़ी देर रोकेंगे ताकि जो ज़्यादा एक्स्ट्रा घोल है वो नीचे चला जाए और इसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे रोल्स को कढ़ाई में डाल देंगे। तो सभी रोल्स को मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो अब ये एक तरफ से हल्के से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें दूसरी तरफ से पलटकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हमारे पोटैटो रोल्स फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ब्रेड और आलू का क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी रोल बनकर रेडी हो गए हैं। आप इन्हें मीठी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ या फिर हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें जरूर ट्राई करें,